ಮೃತ್ಯಜಂ ಹೋದಾರಂ ರತ್ನ ಧಾತವಂ ರಾಜ್ಞಃ ಪೂರ್ವೇ ಭಿರ್ಭಿರೇಭ್ಯೋ ನೂತನೈರುದಾ ತದೇವಾಕ್ಷತಿ ಅಗ್ನಿನಾರೈವ ಸ್ಮತ್ಕೋಶಮೇವ ದಿವೇ ದಿವೇ. ಹಿಂದುತ್ವ की विचारधारा में महिलाओं को कोई स्थान नहीं, सम्मान नहीं, आज़ादी नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, इस पर क्या कहिए आप? वास्तव में जो हिंदू इतिहास है ये बड़ा पुराना लंबा इतिहास है. सबसे पुराने ग्रंथ हम अगर ऋग्वेद को लेंगे तो ध्यान में आएगा उस ऋग्वेद की ऋचाओं को देने वाली महिलाएं हैं. 26 से अधिक महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं की और प्रस्तुति की है ऋग्वेद में. सूर्या सावित्री है, अपाला है, विश्ववारा है, घोषा है, ये महिलाएं हैं. महिलाएं ऋग्वेद के मंत्र देने वाली मंत्र दृष्टा थी. उनको बड़ा सम्मानजनक स्थान था. हम देखे याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने वाली वो गार्गी महिला है, उनकी पत्नी मैत्रेयी महिला है. शंकराचार्य जी के और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का निर्णय करने वाली वो महिला. तो ऐसा कहना तो उचित नहीं है कि हिंदुओं ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया. लेकिन इस्लाम जब आया तो इस्लाम में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी और उनको पर्दे में रखा जाता था, उनको बुरके में रखा जाता था, उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी. उसका प्रभाव हिंदुओं पर भी पड़ा, हिंदू महिलाएं भी पर्दे में चली गई. तो पर्दा जो आया ये इस्लाम के आने के बाद आया. और जब बच्चों को लड़कों को ही गुरुकुल में जाने में कठिनाई हो गई, गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, तो लड़कियां भी कैसे जाती. तो धीरे धीरे ये बात सच है महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी गिर गई. ये 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद भारत में इसका बड़ा अच्छा इतिहास नहीं है. लेकिन इसका कारण इस्लाम का इन्वेजन है भारत के अंदर. हम देखते हैं भारत में जितनी भी और शक्तियाँ हैं महिलाओं के नाम से हैं. महिलाएँ सम्मानित थी. सभा है, स्त्रीलिंग है, संसद है, ये भी स्त्रीलिंग है. दुर्गा है, सरस्वती है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्री स्वरूपा हैं. सारी शक्तियाँ निधि है, सिद्धि है, रिद्धि है, ये स्त्री स्वरूपा हैं. कालांतर में थोड़ा स्थान उनका गिरा है लेकिन अब आवश्यकता है जल्दी जल्दी वे पुराने गरिमामय सम्मानजनक स्थान को प्राप्त करें. और हिंदू समाज तेजी से इस ओर आगे बढ़ भी रहा है, एक आनंद की बात है. तेजी से हिंदू समाज महिलाओं के सम्मान को लेकर के चिंतित है और तेजी से बढ़ रहा है. मुझे लगता है कि ईश्वर का स्वरूप स्त्री रूप में भी हो सकता है, देवी स्वरूप, यह भी केवल हिंदुओं की कल्पना है. बिल्कुल ठीक है. सेमेटिक रिलीजन्स में जो ईश्वर है वो केवल पुरुष रूप ही स्वीकार किया गया. स्त्री ईश्वर रूप में नहीं आ सकती. ईसाइत में या जुडाइज्म में या इस्लाम के अंदर ईश्वर पुरुष रूप में होगा केवल. ये हिंदू ही हैं जो ईश्वर को स्त्री रूप में देखने को तैयार हुए. ये दुर्गा है, सरस्वती है, काली है और साक्षात पार्वती है. और नटराज तो ऐसा है अर्धनारीश्वर है. ये विलक्षण है. ईश्वर को केवल पुरुष रूप में मानना ये उचित नहीं. और इसलिए नटराज को आधा स्त्री रूप में है, आधा पुरुष रूप में है, दोनों मिलकर के एक शिव का रूप बन जाता है. ये कितना सुंदर सामंजस्य और हिंदू दार्शनिकों ने बनाया. अर्थात स्त्री और पुरुष इसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं माना, कोई भेद नहीं. और हिंदू दर्शन, हिंदू और मत के मानने वाले लोगों ने महिला को, स्त्री को ईश्वर स्वरूपा मानने में कभी कोई संकोच नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया. उन्होंने एक और बात है, हिंदुत्व के बारे में ऐसा कहते कि यह ब्राह्मणवादी विचार है और इसलिए यहाँ पर शूद्र दलितों के लिए कोई स्थान सम्मान नहीं है और इसलिए आम्बेडकर जी को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? ये भी एक भ्रम फैला है, ये सच बात है. लेकिन हम बारीकी से देखें तो जितना भी वैदिक वांग्मय है उसकी स्थिति क्या है. मंत्र दृष्टा कौन है? वो तो ऋषि है. जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो केवल ब्राह्मण नहीं है, वो किसी भी वर्ण के, किसी भी कुल के हो सकते हैं. जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, वो देने वाला ब्राह्मण नहीं है, वो तो विश्वामित्र क्षत्रिय है. ये
एक साधना से ऋषि पद पाते थे और मंत्र देते थे। मंत्र देने का अर्थ है वे मंत्र जो सारे समाज के लिए उपयोगी है, जन उपयोगी है, लोक मंगलकारी है, वो मंत्र वेदों में रखे जाते थे। हम देखते हैं कि दीर्घ तमस करके एक ऋषि है, वो शूद्र है। हम वेद में ये भी देखते हैं एक महीदास है, वो तो शूद्र है लेकिन अच्छा मंत्र दृष्टा है। मंत्र कवश एलूष है, वो भी शूद्र है लेकिन मंत्र दृष्टा है, वेदों में उनके मंत्र है। ये कहना कल ब्राह्मण ही ऐसे थे जो कि शीर्षस्थ पर थे, ये गलत है। बहुत से ऐसे लोग हैं, और ज्यादा दूर मत जाइए, सारे महाभारत का संकलन करने वाले जो वेद व्यास है वो तो ब्राह्मण नहीं है। रामायण देने वाले वाल्मीकि को भी लोग ब्राह्मण नहीं मानते, ब्राह्मण नहीं है। गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण है वो क्षत्रिय कुल वंश के हैं। केवल ब्राह्मण ही सारा मंत्र देते हैं, दर्शन देते हैं, उनका ही विचार, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को मान्यता है, लेकिन ये बात सच है कि हिंदू समाज ने सभी को स्वीकार किया। लेकिन कालांतर में आई जो विकृति है, ये भी बात सच है, जो अनटचेबिलिटी आ गई हिंदू समाज के अंदर इस्लाम के आने के बाद, इसने विकराल रूप धारण किया। सबसे पहला जो अनटचेबल था वो गौ मांस खाने वाला व्यक्ति रहा। सारे के सारे देश में आप देखिए समान रूप से मुसलमान अस्पृश्य था। अब कितना बड़ा उदाहरण होगा, जो राजा थे, शासक थे, वो विजेता थे लेकिन हिंदू समाज की दृष्टि में अस्पृश्य थे। बड़े बड़े मुगल सम्राट के यहाँ झाड़ू लगाने वाला हिंदू वहां सम्राट के यहाँ पानी नहीं पीता था। वो सम्राट था लेकिन इस हिंदू कर्मचारी की दृष्टि में वो अनटचेबल था, और हिंदू ने कभी भी और इनको अपने घर में नहीं आने दिया, ऐसी दूरी बनाई। अब ये बात अलग है, ठीक था कि नहीं ठीक था अलग है। हिंदू समाज ने अपने को बचाने के लिए इनको अस्पृश्य घोषित कर दिया। ये बुराई हिंदुओं में भी आ गई, हिंदुओं में भी कुछ अस्पृश्य लोग होने लगे, ये बुराई है। डॉक्टर अम्बेडकर जी उसी बुराई से बहुत दुखी थे, ये सच बात है। ये बुराई 800-900 साल में आई, 1000-1200 साल मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक 1200 साल के पहले अनटचेबल कोई उदाहरण ही देश में नहीं मिलता कोई। अम्बेडकर जी को इस अस्पृश्यता का बड़ा गहरा अनुभव था, बड़ा अपमान झेलना पड़ा। 1935 में सारे उन्होंने प्रयास करने के बाद भी जब देखा सफलता नहीं मिल रही है, तो 1917 से लेकर के 35 तक वे प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा मैं गीता मानता हूँ, सत्याग्रह किए। उन्होंने कहा मैं भगवान राम को मानता हूँ, दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उनको अपमानित होना पड़ा। तो 1935 में उन्होंने घोषणा की कि भाई मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद भी 21 साल तक वो प्रतीक्षा करते रहे, शायद हिंदू समाज जल्दी से बदल जाएगा, शायद बदलेगा। प्रयास चल भी रहे थे लेकिन गति धीमी थी। मृत्यु के थोड़े दिन पूर्व उनको लगा कि मैं ऐसे ही चला गया तो मेरे पीछे ये करोड़ों का ये हिंदू समाज है, ये दिशाहीन हो जाएगा, और इसके पीछे लोग लगे हैं। वो वेटिकन सिटी के पोप महाराज लगे थे, कैसे भी ईसाई बनाए, हैदराबाद के निजाम साहब लगे थे, कैसे भी हरिजन और हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग है उनको हम मुसलमान बना लें। बड़ा लालच अम्बेडकर जी के सामने आया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। किसी भी प्रकार के लालच में मैं नहीं फंसे, साफ मना कर दिया उन्होंने, नहीं मैं ईसाई नहीं बनूंगा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। और मृत्यु के कुछ महीना पहले 1956 में बौद्ध मत स्वीकार किया उन्होंने, और स्वीकार करते समय उन्होंने कहा भी मैं भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन से दूर नहीं जा रहा हूं। अपने पूज्य दलाई लामा जी ने कहा है कि बौद्ध मत भारतीय विशाल वृक्ष की एक शाखा है, इसका जो फाउंडेशन है, आधार है, भारत का अध्यात्म ही है। भारत की आध्यात्मिक आधारशिला पर हिंदुत्व भी है, उसी पर ही बौद्ध मत भी है। बौद्ध मत स्वीकार करते समय उन्होंने भारतीय संस्कृति का पूरा ध्यान रखा, फिर भारतीय संस्कृति से दूर नहीं गए। और उन्होंने कहा भी मैंने गांधी जी को वचन दिया था कि मैं भारतीय संस्कृति से दूर नहीं जाऊंगा, और कोई कम से कम हानि हो ऐसा प्रयास मैं करूंगा, और उस वचन को उन्होंने निभाया। और भारतीय दर्शन, भारतीय विचार इसके भी निकट रहे, और थोड़ा सा झटका भी देना चाहते थे कैसे हिंदू समाज तेजी से अपने अंदर बदलाव लाए। और मैं समझता हूँ उनका यह कदम था
भारतीय विचार दर्शन के अनुरूप ही था। हिंदू धर्म में अनेक सुधारावादी लोग आते रहे हैं, ऐसा आपने कहा, सुधारक हो गए, तो इस अस्पृश्यता के कलंक को दूर करने के लिए क्या हिंदू समाज में कोई प्रयत्न नहीं हुए? हाँ ठीक है, हिंदू समाज में जिस दिन से ये बुराई आई, जिस दिन से कुरीति आई, उसी दिन से हिंदू समाज के अंदर इसको सुधारने के प्रयत्न भी चले हैं। हम देखें, सबसे पहले रामानुजाचार्य है दक्षिण में, रामानुजाचार्य ने प्रारंभ में ये प्रयत्न प्रारंभ कर दिया, कोई भेदभाव नहीं माना उन्होंने, स्वयं सभी जाति सभी वर्णों को मंदिर में पूजा का स्थान दिया उन्होंने। इसी परंपरा को हम देखते हैं, रामानंद ने काशी में बैठकर कबीर और रविदास को शिष्य माना, जो अब्राह्मण थे शूद्र कहलाते थे, उनकी शिष्य परंपरा में भी आए और सम्मान पाए, ये परंपरा आगे बढ़ी। और जहाँ जहाँ ऐसी कुरीति भी बढ़ी, ये बात सच बात है, सुधारकों की संख्या भी बढ़ी। हम देखें कबीर ने हिम्मत के साथ इसके लिए और बीड़ा उठाया, रैदास ने भी संघर्ष को जारी रखा, गुरु नानक देव ने जाति का भेद वर्ण का भेद छुआछात का भेद गुरु नानक देव ने नहीं माना और सारी सिख गुरु परंपरा ने नहीं माना। हम आधुनिक युग में देखते हैं तो महर्षि दयानंद महर्षि श्रद्धानंद इन्होंने वेदों को पढ़ने का अधिकार सबको दिया और सभी वर्णों के और विद्यार्थी इकट्ठा करके और वेद के पठन पाठन में लगाए, यज्ञोपवी सबका उन्होंने कराया, सावरकर जी ने प्रयत्न किया, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रयत्न कम नहीं किया, स्वयं महात्मा गांधी जी ने कम प्रयत्न नहीं किया। और इस तरह से एक बड़ी परंपरा ऐसी भी चलती रही जो लगातार इस कुरीति के खिलाफ संघर्ष करती थी और जो कहती थी ये कुरीति गलत है, ये परंपरा छुआछूत की और भेदभाव की गलत है। अपने देश में हिंदू समाज ने इसको कभी भी दार्शनिक मान्यता नहीं दी, सिद्धांततः इसको सदैव अस्वीकार किया और ये हिंदू समाज के परिष्कार की और शोधन की एक महान परंपरा का प्रतीक है कि हमने अस्पृश्यता को जातिगत भेदभाव को कभी भी स्वीकार नहीं किया और इसके विरुद्ध लगातार हर युग में संघर्ष करने वाले लोग खड़े होते हैं। शांति 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 ही।